जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से ट्विटर खुद कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है, और एलन मस्क भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है और ट्विटर ब्लू वापस आ गया है। पहले ट्विटर ब्लू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक ब्लू टिक मार्क होता है जो कि वेरिफिकेशन मार्क होता है, ये बताने के लिए कि आप एक वेरीफाइड यूजर हैं या फिर आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीजें होती हैं, जिस तरह से इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक मिलता है वैसे ही ट्विटर के ऊपर ब्लू टिक मिलता है, ऐसे ही फेसबुक पर भी ब्लू टिक मिलता था। लेकिन जब एलन मस्क आए तो उन्होंने कहा कि देखो अपने को कमाना है पैसा और पैसा आएगा ब्लू टिक के पैसे से। बिल्कुल सही, उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाला था, फिर उसके ऊपर काफी सारी आलोचना होने लगी, एप्पल के साथ कुछ उनके इन ऐप परचेजेस को लेकर इशू चल रहे थे, तो फिर वो ब्लू टिक रोक दी गई। लेकिन अब वो ब्लू टिक वापस आ गई है। 12 दिसंबर को ट्विटर ने अपना ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन रीलॉन्च कर दिया है और इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि पैसा कितना देना पड़ेगा। अगर आप वेब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो $8 देना पड़ेगा प्रति माह, और अगर आप iOS के ऊपर इस्तेमाल करते हैं यानी कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपको $11 प्रति माह देना होगा। यहां पर समझदारी ये है कि आप वेब सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर एप्पल में से अपनी ऐप को हटा दीजिए ट्विटर ऐप को, और ब्राउजर के अंदर सफारी या क्रोम में जाकर वहां से ट्विटर सर्फ कर सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लगभग $3 प्रति माह बचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की। इस सब्सक्रिप्शन में मिलता क्या है, देखिए एक तो पहले ब्लू टिक मिलता है उसको भी कंपनी वेरीफाई करेगी, इसके अलावा आप 1080 पिक्सल की यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको रीडर मोड मिलता है और बहुत सारे सब्सक्राइबर ओनली फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इनके अंदर कम एड्स भी आते हैं और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फीचर्स यहाँ पर ट्विटर आपको दे देगा। इसके अलावा जो ऑफिशियल लेबल पहले होता था उसको गोल्ड चेक मार्क दिया जाएगा जो कि बिजनेसेस के लिए होगा, इसके अलावा आने वाले समय में ग्रे चेक मार्क दिया जाएगा गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल अकाउंट्स के लिए। तो कुछ ये रंगीन बदलाव करे हैं ट्विटर ने अपने अंदर, और एलन मस्क का कहना है कि इसके बाद वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और ट्विटर को एक बेहतर जगह बना देंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। $8 प्रति माह के बाद किसी को भी ब्लू टिक दे देना ये ठीक है या फिर नहीं है, आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं। और बाकी टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।